एक छोटा सा कमेंट, जो आखिरी में अभी स्टॉक बताया डिजिटलाइजेशन के जो बेनिफिशरीज हैं आरएस सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स, यहां पर इस पूरे स्पेस में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। छोटे मझौले स्टॉक्स ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं सर बड़े को बड़ों के मुकाबले, आपकी कोई कॉल है? मैं स्मॉल कैप आईटी स्टॉक के बारे में पूछ रहा हूँ, आरएस सॉफ्टवेयर, टेरा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स में से कोई भी पसंद है आपको? दोनों के चार्ट अगर हम देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए चल रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक चुनना चुनने के लिए मुझे कहेंगे तो मैं दोनों में से टेरा स्टॉक को थोड़ा ज्यादा वेटेज दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं है, तो ये एक स्टॉक है जहाँ पे हम पोजिशन बनाई जा सकती है। बाकी के जो स्टॉक के बारे में डिस्कशन हुआ उसमें से दो स्टॉक मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, एक होगा नीलकमल, क्योंकि नीलकमल अगर ये देखते हैं इसका चार्ट अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न इसमें बनाया हुआ है, टेक्निकली इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से कम 10% की ऑन द लोअर साइड एक मूव बनती है, तो एक नीलकमल एक स्टॉक होगा जिसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो होना चाहिए रैमकी इंफ्रा। रैमकी इंफ्रा ये जो स्टॉक है इसने भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये स्टॉक का जो चार्ट के ऊपर लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है 127 का, तो ये इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक और नया लेवल देख लीजिए, 9350 आज तक कभी नहीं छुआ भारतीय बाजार ने ये लेवल, 9350 के लेवल पे इस समय निफ्टी काम काज कर रहा है, स्ट्रांग मूव है। वैल्यूएशन कंसर्न्स जो भी हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो भी हो, लेकिन इस समय लिक्विडिटी ड्राइव कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को, यूएस मार्केट्स में नैसडैक 6000 के लेवल के पार है, इंडियन मार्केट्स में मूव पॉजिटिव है, सेंसेक्स 30000 के पार हो चुका है, निफ्टी 9350, और इस समय जब निफ्टी ने अपना हाई बनाया है तो हिंडालको टॉप गेनर है जिसमें 2.7% के रिटर्न मिल चुके हैं, विप्रो में तो सुबह से ही तेजी है, नतीजों का इंपैक्ट है। आईटीसी अब निश्चित रूप से इस स्टॉक में खरीदारी बढ़ती चली जा रही है 5 पॉइंट्स के गेंस के साथ, टाटा मोटर्स टीवीआर और साथ ही साथ टाटा स्टील दोनों स्टॉक में आज के सत्र में तेजी बन रही है, लेकिन एक्शन एकदम से फिर से कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में बना है। एक एचओवी सर्विसेज देखिए सर और इंटेलेक्ट डिजाइन, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है आज के लिए? पहले एचओवी सर्विसेज के ऊपर बात करते हैं। एचओवी सर्विसेज का अगर हम चार्ट देखते हैं तो फिलहाल ये स्टॉक 214 215 वाट लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, एक छोटे ही रेंज में इसमें ट्रेडिंग होता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस तरह से निकला है तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि इस स्टॉक में पोटेंशियल जो है वो स्टॉक को ले जा सकता है करीबन 222 तक आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा जो स्टॉक कौन सा कहा था आपने? इंटेलेक्ट डिजाइन सर, इंटेलेक्ट डिजाइन भी दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है, फिर से वही स्मॉल कैप स्टोरी प्ले कर रही है मार्केट पे। अगर हम इंटेलेक्ट डिजाइन की बात करते थे करीबन 6% ये स्टॉक ऊपर है, 133 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि दोनों में से अगर कंपेयर करना है तो जो पहला स्टॉक मैंने रिकमेंड करूंगा उसमें ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है एचओवी सर्विसेज में कंपेयर टू इंटेलेक्ट डिजाइन। चलिए लेकिन